Hi, this is Dr. Nina. Today we are talking about Parkinson's disease. आज हम पार्किंसन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि पार्किंसन डिजीज क्या होता है, उसमें क्लिनिकल इवेल्युएशन, उसकी हिस्ट्री, उसकी काज, उसके सारे ट्रीटमेंट जो है, प्रोटोकॉल्स जिनमें ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो किस तरह उसको हम मतलब अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हम किस तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो ये टॉपिक जो है, हमने कम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू फॉर नेपलिक्स टेस्ट उससे ली है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि नेपलिक्स टेस्ट अमेरिकन और कैनेडियन टेस्ट हैं। तो बेसिकली जो स्टूडेंट नेपलिक्स टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काइंडली उसको चाहिए कि ये वीडियो ज़रूर देख लें, और अगर कोई अपना असाइनमेंट या कोई और चीज़ थीसिस वगैरह लिख रहा है, तो काइंडली वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखे ताकि उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं ताकि हम जल्दी उसको स्टार्ट कर दें विदाउट एनी टाइम मिस्टेक। स्टार्ट नाउ। पार्किंसन डिजीज इज द स्लोली प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज characterized by tremor, rigidity, bradykinesia, and sluggish neuromuscular response and postural instability. Basically, this disease is the progressive neurodegenerative neurological disease. इस टर्म का मतलब ये है कि if someone have Parkinson disease, अगर किसी को Parkinson disease हो जाए, तो वो स्लोली फॉर एग्जांपल अगर उसको फर्स्ट टाइम कोई पार्किंसन अटैक हुआ है, उसको डिजीज आई हुई है, तो उसकी ब्रेन का एक पोर्शंस, उसकी थर्ड सपोज उसकी 10% उसकी डिजनरेशन हुई है उसकी न्यूरॉन की 10% अगर वो ख़त्म हुई है, ख़राब हुई है, तो वो विद टाइम पैसेज के साथ साथ वो स्लोली और भी उसकी परसेंटेज को ज़्यादा करता है। अगर आज उसकी 10% हो सकता है, साल दो साल बाद उसकी 20-25-30% उसकी ये डिजीज़ उसकी न्यूरॉन और भी डीजनरेट हो जाए, हो सकता है कि वो और भी ख़राब हो। तो दिस इज़ द स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज, इसको हम इसकी वजह से कहते हैं कि इसमें स्लोली प्रोग्रेशन आ जाए, उसकी डिजनरेशन होती है न्यूरॉन की। अच्छा, उसके साथ कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो उसके यहाँ उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि पार्किंसन डिजीज है। उसके साथ ट्रिमर होती है। ट्रिमर हम बाद में पढ़ेंगे कि ट्रिमर क्या होती है, शायद इसमें मैं कोई दूसरी वीडियो में अपलोड करूं जिसमें ट्रिमर की आपकी सारे सिम्टम्स आपको बाय नेक्स्ट आयु सो आपको देख लें कि ट्रिमर क्या होता है, उसकी रिजिडिटी क्या होती है, ब्रेडिकिनेसिया क्या होता है, तो ये सारे के सारे हम उसमें पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है, तो ये क्या होते हैं। बेसिकली प्रोग्रेशन जब हो जाती है, डिजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज जब हो जाती है, तो उसके साथ साथ आपकी ट्रिमर होती है, आपके मसल जो है वो ट्रिम करते हैं, वो ट्रिमर हम हर टाइम वो ट्रिम करते हैं। इस तरह रिजिडिटी, जो पास की रिजिडिटी होती है, आपकी नेक रिजिडिटी होती है, मुख्तलिफ रिजिडिटी होती है, ब्रेडिकिनेसिया होती है, तो ये उसके साथ साथ होते हैं। बेसिकली जो पार्किंसन डिजीज वो फर्स्ट डिस्क्राइब बाय डॉक्टर जेम्स पार्किंसन 1917 एज शेकिंग पालसी। बेसिकली यहाँ पे आपकी मूवमेंट जो है एज शेकिंग पालसी होती है, या आपकी जो आई की मूवमेंट होती है, आपकी मसल्स का जो फेस की मूवमेंट होती है, तो इट बिकम लाइक पालसी, शेकिंग करता है, इनवॉलेंट्री उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, तो इसको हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। अच्छा, दूसरी ये है कि अगर यहाँ पे पार्किंसन डिजीज पैदा हो जाता है, तो वो किस तरह क्या वजह हो सकती है। तो पार्किंसन डिजीज द लॉस ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन इन अ सब्सटेंशिया निग्रा रिजल्टिंग इज इम्बैलेंस ऑफ बिटवीन डोपामिन एंड इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलीन है। बेसिकली वी हैव इन ब्रेन में दो किस्म के मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसको एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एक दूसरा जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है।
अलबत्ता अगर आपको इफ यू नो दिस डोपामिन इज द इनहिबिटरी ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर एंड एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, अदर जो है वो एसिटाइलकोलाइन है। तो जब हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसे निज़ाम बनाया हुआ है कि हमारे बॉडी में दो मैकेनिज़म्स हैं जो कि आप उसको बैलेंसिंग में रखते हैं, वो आप तो नहीं लेकिन वो खुद बहुत वो बैलेंसिंग में होते हैं, डोपामिन और एसिटाइलकोलाइन। अगर एक आपकी बॉडी में एसिटाइलकोलाइन ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बरक्स उसके अगेंस्ट जो है वो डोपामिन उसको इनहिबिट करता है, तो वहाँ पे डोपामिन भी पैदा हो जाती है, होता है आपकी एक्साइटेटरी पाथवे को ये इनहिबिट करता है। दूसरा ये कि जब इनहिबिशन पाथवे ज़्यादा हो जाती है तो दूसरी साइड पे एसिटाइलकोलाइन रिलीज हो जाते हैं और वहाँ पे पाथवे को एक्साइटेट करते हैं, तो ये आपकी बॉडी को इम्बैलेंस जो बैलेंस रखता है, बैलेंस आपकी बॉडी को बैलेंस रखता है ताकि आपकी बॉडी बिकम इम्बैलेंस हो और उसमें साइमेट्रिकल पोजिशन पे पड़े हो जाती है। अच्छा, जब बॉडी में इस तरह की प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन ज़्यादा हो जाती है और एसिटाइलकोलाइन की कम हो जाती है तो ये भी इम्बैलेंस है। हो सकता है कि आपकी एसिटाइलकोलाइन ज़्यादा रिलीज होती है और डोपामिन कम रिलीज होती है, तो वो भी हो सकता है। जो इन सब्सटेंशिया निग्रा इन द ब्रेन पोजीशंस में, यहाँ पे जब डोपामिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और एसिटाइलकोलाइन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, दिस इज टू ड्यू टू दिस इम्बैलेंसिंग ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, सो द वहाँ पे एक डिजीज पैदा हो जाती है जिसको हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। अच्छा, अल्ट्रेशन इन द कंसनट्रेशन ऑफ अदर न्यूरो ट्रांसमीटर, वहाँ पे नॉर्फिनिफ्रीन होते हैं, सेरोटोनिन होते हैं, गाबा में अमीनोबुटारिक एसिड्स एंड अदर्स आल्सो आल्सो इन्वॉल्व इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज। अच्छा, ये दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ योर ब्रेन। अच्छा, यहाँ पे है सबथैलेमस न्यूक्लियाई, जहाँ पे मेजर सबस्टांशिया निग्रा है। इन पोजीशंस आप देख रहे हैं यहाँ पे सबस्टांशिया निग्रा है, तो यहाँ पे इनहिबिटरी पाथवे एंड एक्साइटेटरी पाथवे बोथ आर फाउंड हेयर। यहाँ पे थोड़ा उसकी स्ट्रक्चर थोड़ा मॉडिफिकेशन उसमें की हुई है, सेम सबस्टांशिया निग्रा यहाँ पे है, तो यहाँ पे इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी पाथवे होती है, तो उसकी वजह से अब आपकी बॉडी में जब इम्बेलेंस पैदा हो जाती है न्यूरोट्रांसमीटर की, तो डिजीज पार्किंसन डिजीज बिकम अकर। अच्छा, यहाँ पे काजेस है कि क्या काजेस है, कोई वही क्या वजूहत है कि पार्किंसन डिजीज पैदा हो जाती है। यहाँ पे प्राइमरी जो काजेस है वो आइडियोपैथिक है, पार्किंसन बेसिकली यहाँ पे आइडियोपैथिक, जिसकी कोई नाउन काज का पता नहीं होता। एंड ऑल्दो ट्रीटमेंट में भी पेलिएटिव यहाँ पे आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन वो डिजीज इफ समवन हैव अननोन काज तो ये डिजीज इनक्योरेबल है। वो डिजीज मुश्किल आप ट्रीटमेंट उसकी थोड़ा सख्त हो जाता है, बल्कि अननोन का जब हो जाती है तो वहाँ पे आप जस्ट सपोर्टिव पेलिएटिव या सपोर्टिव केयर देते हैं, लेकिन ये डिजीज इनक्योरेबल है। अच्छा, मोस्ट पेशेंट सफर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पार्किंसोनिजम्स, बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है अलबत्ता तकरीबन 85 to 90% ऑफ पीपल बिकम आइडियोपैथिक, पार्किंसन डिजीज का काजिस का पता नहीं होता। अच्छा, हाइपोथैलेमस हाइपोथेसिस ऑफ न्यूरोनल लॉज इन आइडियोपैथिक, और यहाँ पे है कि हाइपोथेसिस न्यूरोनल लॉज हो जाती है, आपको कोई इस तरह कन्फर्म पता नहीं होता कि क्या हुआ है, लेकिन हाइपोथेटिकल्स आप कहते हैं कि यहाँ पे न्यूरोनल लॉस हुई है जिसकी वजह से पार्किंसोनिज्म बिकम अकर। यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ वजूहत यहाँ पे दिए हैं कि प्राइमरी आइडियोपैथिक इसकी वजह से भी हो सकते हैं, उसकी नाउन काज के बारे में वो क्या यहाँ पे है कि देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हाईली पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन्स। जब आप बहुत ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिन लेते हैं जो न्यूरॉन के टॉक्सिन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप डस्ट में लेते हैं इन्वायरमेंट से या कोई आप चीज़ वो का लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं जिसको हम कार्बन, सपोज यहाँ पे सर कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसको हम कहते हैं, मैंगनीज सॉल्वेंट्स एंड एन मिथाइल 4 phenyl 1 2 3 6 टेट्राहाइड्रो पायरोडीन, मतलब ये MPTP जिसको कहते हैं, या ये चीज़ें
आप इन्वायरमेंट से ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी न्यूरोनल जो टॉक्सिन्स होती है वो प्रोडक्शन उसकी हो जाती है आपकी बॉडी में। और यहाँ पे जितनी भी पोस्ट एंड प्री साइनेप्टिक न्यूरोनल चैनल्स होते हैं वहाँ से वो एबनॉर्मेलिटी ऑफ इम्बैलेंसिंग ऑफ योर न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। विद द प्रोडक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक्स हीरोइन लाइक कंपाउंड्स या मुख्तलिफ कोई और चीज़ जो टॉक्सिन होते हैं आप ले लेते हैं, तो ये डिजीज उसमें में भी आकर हो जाती है। अच्छा, कम एक्सपोजर टू द फ्री रेडिकल्स, कभी कभार आप फ्री रेडिकल्स के साथ एक्सपोजर उसकी हो जाती है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। नॉर्मल डोपामिन इज कैटाबोलाइज बाय मोनोअमीनो ऑक्सीडेज हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स बट टॉक्सिक टू सेल्स या प्रोडक्शन ऑफ कैटाबोलिज्म। आपकी बॉडी में जब भी कैटाबोलिज्म ऑफ जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जब भी कैटाबॉलिज्म हो जाती है तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जो कि आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स बेसिकली वो आपकी बॉडी में हाइड्रोजन परऑक्साइड लाइक फ्री रेडिकल्स वो कैंसर भी कास करते हैं। इस तरह आपकी न्यूरॉनल जो है एक्साइटेबिलिटी को हमें ख़राब कर सकती है। मुख्तलिफ वो जो है फ्री रेडिकल्स आपके मुख्तलिफ वो डैमेज कर सकती है। तो आप फ्री रेडिकल्स को उसके लिए आपको फ्री रेडिकल्स के जब उसको ख़त्म करते हैं तो उसके लिए आप मुख्तलिफ वाइटमिन यूज़ करते हैं, लाइक वाइटमिन ई है, वाइटमिन सी विच इज़ प्रोटेक्टिव, बेसिकली प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम एनी फ्री रेडिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑफ योर बॉडी। अच्छा, यहाँ पे है कि जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं जीन्स दैट लिंक टू पार्किंसन डिजीज सच इज अल्फा साइक्लो साइनोल साइनोक्लिन साइनोक्लीन एंड पार्किन इज अ फर्दर बीइंग स्टडीड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन डिजीज। बेसिकली यहाँ पे ये दो जेनेटिक फैक्टर्स आल्सो इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ या फॉर द बैलेंसिंग ऑफ योर न्यूरोट्रांसमीटर जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज हो जाती है। अच्छा, ये तो हमारे पास प्राइमरी एडोपैथी थी, हम सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म पे जाते हैं जिसकी नाउन काज होती है, जिसको हमें पता चल होता है कि इसकी वजह से ये डिजीज हुई होती है। और ये सेकेंडरी जो पार्किंसोनिज्म होती है ये क्यूरेबल है, हम ये ट्रीट हो सकती है, जबकि आइडियोपैथिक वो ट्रीट नहीं हो सकती। ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस आर सेकेंडरी एंड मे बी दीज आर क्यूरेबल एंड सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म काज बाय ड्रग्स, मुख्तलिफ ड्रग्स की वजह से ये काज हो जाती है, इंक्लूडिंग डोपामिन एंटागोनिस्ट। आप इंटर डोपामिन एंटागोनिस्ट वो यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकती है। यहाँ पे है फिनोथायाजीन्स, फिनोथायाजीन जिसके में यहाँ पे एग्जाम्पल है क्लोरप्रोमाजीन, परपेनाजीन्स एंड ब्यूटायरो फिनोल्स जिसमें हेलोपीरिडोल्स रिजर्पीन, ये चीज़ें जब आप यूज़ करते हैं सो दिस इज दोज ड्रग विच आर इंटागोनाइज्ड ऑफ डोपामिन, वो डोपामिन को इंटागोनिज्म कर उसके साथ घर से करते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में डोपामिन के लेवल कम हो जाते हैं। और जब डोपामिन के लेवल कम हो जाते हैं तो यू हैव इफेक्ट टूवर्ड सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म और पार्किंसन डिजीज। अच्छा, कुछ ऐसे पॉइजनिंग मैकेनिकल्स टॉक्सिन है जो आपको आपकी बॉडी में जो है वो पार्किंसन का पैदा करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड्स पॉइजनिंग होगी, हैवी मेटल पॉइजनिंग होगी जी, मरकरीज या मरकरी MPTP इज अ कमर्शियल कंपाउंड जो जिसकी वजह से भी आपके साथ जो है वो पार्किंसन हो सकती है। दिस इज द केमिकल्स। अच्छा, इन्फेक्शन कोई ऐसी डिजीज होती है जो कि आपके डोपामिन लेवल को खराब करती है, उसके बैलेंसिंग करती है, उसको एनसेफलाइटिस जी ड्यू टू वायरल एनसेफलाइटिस एनसाइपेलिस इज द वायरलेस वायरल डिजीज जो कि आपके ब्रेन जो कि आपके ब्रेन में कुछ ऐसे एबनॉर्मेलिटीज ले आते हैं कि जिसकी वजह से आपको पार्किंसन हो सकती है। अदर जो काजेज है एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, डिजेनरेटिव इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोग्रेसिव स्पास्नुलर पाल्सी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स विद द विल्सन डिसीज, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं, जेनरेटिव डिजेनरेटिव ऑफ CNS आते हैं एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ड्यू टू प्रॉपर
है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई उसमें नहीं होती, जो उसकी वजह से आपकी न्यूरॉन जो उसको न्यू इलेक्ट्रोलाइट्स या जितनी भी चीज़ें उसकी प्रॉपर उसको मतलब वो नहीं पहुंच जाती, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। दिस इज द नाउन काज फॉर द पार्किंसोनिज्म। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन। अच्छा यहाँ पे ट्रिमर है, किनेसिया, आर्बिटिक अनेसिया है, लिम्फ रिजिडिटी, गेट एंड पोस्चरल डिफिकल्टीज, चेंजेस मेंटल स्टेटस। तो ट्रिमर यहाँ पे होते हैं कि इनिशियल कंप्लेंट, जब भी किसी को पार्किंसन हो जाती है तो इनिशियली उसको ये कंप्लेंट आते हैं, ट्रिमर सब पेशेंट में होते हैं। तो यहाँ पे इट इज द एविडेंट टू एट रेस्ट, रेस्टिंग एंड लो फ्रिक्वेंसी मूवमेंट। उसकी बॉडी में, उसके फिंगर्स में, उसके जितने भी बड़े मसल्स होते हैं उसमें लो फ्रिक्वेंसी मूवमेंट आ जाती है, ट्रेमर लाइक सिम्टम्स होते हैं। केनीसिया एंड ब्रेडिकाइनेसिया, केनीसिया इज द कैरेक्टराइज बाई डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग मूवमेंट्स, एंड ब्रेडिकाइनेसिया इज द स्लोनेस इज द परफॉर्मिंग कॉमन वॉलेंट्री मसल्स इंक्लूडिंग स्टैंडिंग। और यहाँ पे कुछ ऐसे इनिशियली आपको स्टैंडिंग मूवमेंट का मसला होता है, डिफिकल्टीज होती है, लेकिन कभी कभार आपके साथ वॉलेंट्री मसल्स की वो भी उसमें स्लोनेस आती है, वो आप उसको मतलब वो खुद ब खुद उसमें स्लोनेस मूवमेंट्स आ जाती है, तो उसको हम एमिकिनेसिया ब्रेडिकिनेसिया कहते हैं। अच्छा लिम्फ रिजिडिटी होती है, डिटेक्टिव केमिकल्स विद द आर्म रिस्पॉन्ड विद द रैचेट लाइक कोगवीली मूवमेंट विद द लिम्फ मूव पैसिवली, दिस इज द ओनिंग टू ट्रेमर दैट सुपर इम्पोज ऑन द रिजिडिटी। आपकी जो ट्रंक एरियाज होते हैं आपके आम होते हैं टू बिकम लाइक बैंड हो जाते हैं, रिशट लाइक व्हीलिंग लाइक मूवमेंट उसमें पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूस मूवमेंट होती है, तो वो भी ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ योर सब्सटेंशिया निग्रा बैलेंस, इम्बैलेंस ऑफ योर न्यूरो ट्रांसमीटर इन योर ब्रेन। सो वो यहाँ पे लिम्प रिजिडिटी भी हो सकती है, ट्रिमर हो सकती है, कनीसिया, लिम्प रिजिडिटी, गेट एंड पोस्चरल डिफिकल्टीज। आप जब खड़े होते हैं या कोई आपकी जो रिदमिक नॉर्मल रिदमिक ऑफ योर चलने का एक रिदम होता है, आपकी मूवमेंट हार्ड हैंड मूवमेंट का उसमें चलते हैं, तो उसमें अपनी एक मूवमेंट होती है, तो वो मूवमेंट यहाँ पे खराब हो जाती है, उसमें मूवमेंट वो डिफरेंट हो जाती है, तो ये भी गेस्चर पोस्चर में डिफिकल्टीज। या आप जब खड़े होते हैं तो आप खड़े नहीं हो सकते, आपकी हैंड या आपकी माउथ फेस या आपकी आईज जो है वो मूवमेंट कर रही होती है ड्यू टू इनवॉलेंट्री एक्शंस। अच्छा अच्छी तरह मेंटल स्टेटस यहाँ पे कभी कभार क्योंकि यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा पेशेंट के वो डिप्रेशन काज हो जाती है, 50% डिप्रेशन, डिमेंशिया 25%, एंड सम पेशेंट हैव साइकोसिस लाइक सिम्टम्स वो पैदा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी न्यूरॉन जो है वो डिस्टर्ब हुई है। अच्छा हम डायग्नोज के बारे में उसकी पढ़ते हैं कि डायग्नोज ऑफ पार्किंसन हम किस तरह कर सकते हैं। डायग्नोज भी डिपेंड ऑन द क्लिनिकल फाइंडिंग, और द क्लिनिकल फाइंडिंग पे हम डायग्नोज करते हैं, उसके लिए टेस्ट करते हैं। कौन से टेस्ट करते हैं? मोस्ट ऑफन जो है वो पार्किंसन सेकेंडरी पार्किंसन के लिए करते हैं, क्योंकि जो आइडियोपैथिक काज ऑफ पार्किंसन है उसके लिए हम हमारे पास इस तरह टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी आइडियोपैथिक काज है, उसकी अननाउन काज है। जब अननाउन काज है तो उसके लिए टेस्ट अगर कर भी ले तो हमें उसका पता नहीं चलता। तो बेसिकली जितने भी सेकेंडरी पार्किंसन पेशेंट्स होते हैं उसको हम उसके लिए टेस्ट करते हैं, उसके लिए एक न्यू टेक्नोलॉजीज आज डिस्कवर्ड हुई है आजकल है, जिस जो कि फॉर एग्जाम्पल हम पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी कहते हैं, पीट पेट्स स्कैन जो कि उसके बोलते हैं, एंड आर यूज टू विजुअलाइज डोपामिन अपटेक इन सब्सटेंशिया निग्रा एंड मैसन गैंग्लिया, जिसमें हम देखते हैं कि डोपामिन जो है उसकी लेवल ज़्यादा है या उसकी लेवल कम होती है। बेसिकली जब उसकी लेवल ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको कुछ ऐसे एमिशंस क्लियर कलर देते हैं
जो कि पिट्स में हम उसको PET जो टोमोग्राफी है उसमें स्कैन हम उसमें वहाँ पे उसकी कलर आ जाती है। जब उसमें कलर आ जाती है तो हमें उसका कलर का पता चल जाता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे ज़्यादा होती है। पेट के स्कैन मेजर्ड द एक्सटेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल लॉज इन दिस एरिया। तो जब वहाँ पे डोपामीन जो है वो इर्द गिर्द जितना भी एरिया को कवर आउट करता है तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर में ये ब्रेन को कवर कर दिया गया है। तो जितने ब्रेन को भी ये कवर कर देगा तो वहाँ पे वो डीजेनरेटो न्यूरोलॉजिकल लॉस ऑफ न्यूरॉन्स होगी। तो यहाँ पे जो पिट होती है या उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कितनी परसेंट हो या कितनी पार्ट ऑफ द ब्रेन या कितने लोकेशंस पे ये फैल गया है। तो वहाँ पे इसकी वजह से अच्छा ये कि हमारे पास सिंगल स्पेसिफिक अदर है कि स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सिंगल फोटॉन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो स्पेक्ट बोलते हैं कैन बी हेल्पफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन सिंड्रोम। पार्किंसोनियन जो सिंड्रोम होते हैं जो नॉन सिंड्रोम होते हैं पार्टिकुलर एसेंशियल ट्रिमर वगैरह जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिसमें उसमें एसेंशियल ट्रिमर जब हो जाते हैं तो यहाँ पे हम स्पेक्ट भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास वहाँ पे पता चल जाता है कि ये सिंड्रोम है या कोई सिंड्रोम नहीं है। क्योंकि सिंड्रोम में जो है मुख्तलिफ एक से ज़्यादा बीमारियाँ जब आ जाती है एक चीज़ में तो वहाँ पे सिंड्रोम पाए जाते हैं। तो मे भी यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रग्स हमने दी हुई होती है जिसकी वजह से जो है वो एक से ज़्यादा हमें उसकी साइड सिम्टम्स दे रही होते हैं तो उसकी वजह से हमें पता चल जाते हैं कि यहाँ पे पार्किंसोनियन सिंड्रोम है कि नहीं। दिस अदर्स डिजीज दैट आर सिमिलर टू पार्किंसन डिजीज आर मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी स्ट्रेटियो निग्रल डिजेनरेशंस ओलिवो पोंटो सेरेब्रलर जो है वो एट्रोपी है या शय ड्रेजर या ड्रेगर सिंड्रोम उसको बोलते हैं कार्टिको मेसल गिगलियॉनिक डिजेनरेशन एंड प्रोग्रेसिव स्पास्मास्कुलर पाल्सी। हमें कुछ ऐसे अदर डिजीज होते हैं जो कि मल्टीपल्स जो डिजीज होते हैं जो कि रिलेटेड है पार्किंसन डिजीज लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव न्यूरोनल डिसऑर्डर यहाँ पे भी हो सकती है। तो मे भी हमारे पास स्पेक्ट वगैरह पिट से हमें पता चल जाता है कि अगर वहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरोनल लेवल ज़्यादा हुई होती है या उसमें एस्ट्राइकोलिनर्जिक लेवल उसमें कम हो जाती है तो हमें उसे पता चल जाता है। ड्यू टू दिस इम्बैलेंस की वजह से हम उसको इजिली डायग्नोस कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस ये है कि हम ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासाउंड करते हैं एक जमाइन डिफिशियंट इन ऑल्फैक्शंस हमें उसकी आई की वजह से भी आई से पता चल जाते हैं ऑल्फैक्शन हम ऑप्थल्मोलॉजिस्ट वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है उसकी कलर की वजह से या उसकी ब्लाइंड आ जाती है थोड़ा उसमें ब्लाइंडनेस आ जाती है उसमें ब्लर विजन हो जाती है। तो ये भी इज अ डायग्नोसिस फैक्टर्स होते हैं। डिटेक्शन ऑफ ओलिगोमेट्रिक अल्फा साइनो न्यूक्लिन इन ब्लड ऑफ पेशेंट्स विद द पार्किंसन डिजीज। तो हम यहाँ पे अगर हम ब्लड सैंपल ले लेते हैं तो यहाँ पे ओलिगोमेट्रिक अल्फा साइनोलिन ये भी ब्लड में डिटेक्ट हो सकते हैं। तो जब ये डिटेक्ट हो जाते हैं ब्लड में तो इसकी वजह से हमें पार्किंसन डिजीज का पता चल जाता है कि ये पार्किंसन डिजीज है कि नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्नोसिस। हमें डायग्नोस का पता चल गया है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम ट्रीटमेंट करते हैं तो डायरेक्टली मैंने एक स्केच डाउनलोड किया है उसके कॉपी की है उसमें CPR से। तो हम उसको CPR की उसकी स्केच को हम पढ़ लेंगे कि आप फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल कौन से ट्रीटमेंट इस पेशेंट को आप दे सकते हैं। तो बेसिकली जो नॉन फार्माकोलॉजिकल विदाउट फंक्शन इम्पेयरमेंट उसमें जितने भी पेशेंट पार्किंसन डिजीज के होते हैं जब उसको नॉर्मली हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो हम उसको ये एजुकेट करते हैं कि जी यू शुड अवॉइड दिस ऑल ऑफ थिंग्स
जो आप एडवाइस देते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक ईट ये खुराक मत खाया करें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस की वजह से आपकी कुछ ऐसे मेटाबॉलिक मान और अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ये चीज़ें मत खाया करें, क्योंकि ऑलरेडी वो डोपामिनर्जिक क्यूज की वजह से वो इनहिबिट हो सकते हैं। तो आप उसको एजुकेट करते हैं, आप प्रॉपरली उसको एक्सरसाइज दिखाते हैं, प्रॉपरली आप उसको सपोर्टिव केयर देते हैं, सपोर्टिव केयर, और उसको प्रॉपर आप न्यूट्रिशन देते हैं, क्योंकि उस पर आप वो न्यूट्रिशन देंगे जो कि जिसमें मरकरी वगैरह ये मंगनीज ये चीज़ें उसमें ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी दिस इज़ वो ड्रग्स जितने भी मानो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं और जितने लाइक वो ड्रग्स जो कि डोपामिनर्जिक इनहिबिटर्स होते हैं, तो देर आर ड्रग्स शुड बी अवॉइड, दोज आर लोड ऑफ केमिकल टॉक्सिन विल बी अवॉइड। तो आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन गिजा देंगे ताकि उसको प्रेशर की प्रॉपर ठीक हो जाए, उसको प्रॉपरली आप वो मल्टीविटामिन्स लाइक खुराक उसमें ताकत की खुराक देंगे, क्योंकि वहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाती है तो वो नॉर्मली उससे भी कभी कभी कभार रिकवर हो जाते हैं। उसके मल्टीपल आप डिजीज कोई उसे फार्माकोलॉजिकल उस पर आप और भी मेडिसिन दे देंगे, क्योंकि आपकी वो इम्बेलेंस को नॉर्मल रखे, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिशन में कुछ यहाँ से कुछ कभी कभार आप अच्छी खुराक देते हैं। तो दिस शुड बी ऑल्सो दिस ऑल अबाउट द नॉन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में आ जाते हैं कि अगर एक पेशेंट की ये कि लाइस गाइडलाइंस है कि अगर एज की पेशेंट की एज 60 से कम हो तो उसको आप किस तरह ट्रीट करते हैं, अगर उससे ज़्यादा हो तो आप उसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर पेशेंट की एज 60 से कम है तो आपको सपोर्टिव केयर देंगे, इसके अलावा आप एमेटाडीन और एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स देंगे, क्योंकि आपके बॉडी में जब एस्टालकोलिन की लेवल ज़्यादा हो जाती है तो आप उसको इनहिबिट्स करते हैं एंटीकोलिनर्जिक, सॉरी, आप जितनी भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे देते हैं तो आपकी बॉडी में जो है वो सपोज यहाँ पे हमारी बॉडी में एस्टालकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स दे होते हैं, तो वो एस्टालकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स हम उसको देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी प्रोडक्शंस ऑफ एस्टालकोलिन होती है तो वहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम एस्टालकोलिनेस्टेरेज जो है एस्टालकोलिनेस्टेरेज एंजाइम बोलते हैं, तो वहाँ पे उसकी प्रोडक्शंस को ख़राब कर दे, तो इसकी वजह से हम जब मुख्तलिफ यहाँ पे नॉर्मली हम एस्टालकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं जिसको हम एट्रेडिन नॉर्मली हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देते हैं, तो उसके साथ साथ हम सिलिजिलिन प्लस इमेटाडीन या अदर कोई अदर इमेटाडीन लाइक ड्रग्स और देते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो हम बाद में फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे वो डॉक्टर जी जो है फार्माक्लिनिक, उसमें हम फर्दर डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे कि सिलिजिलिन के साथ आप क्या देंगे, तो वो शुड बी वॉन अबाउट द एंटीकोलिनर्जिक। अच्छा, उसमें एडेक्वेट रिस्पॉन्स, अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा तो आप वो स्विच डोपामिन एगोनिस्ट, आपके बॉडी में ऑलरेडी वो डोपामिन एगोनिस्ट आप दे रहे हैं तो उसको भी आप स्विच करें। अगर वहाँ पे भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा तो यू हैव अ लास्ट ट्रीटमेंट। सो गुड ट्रीटमेंट आपकी ये साथ ही है कि आप एक सस्टेन रिलीज ऑफ कार्बिडोपा लिविडोपा सेनेमेट गोली है जो मार्केट पर अवेलेबल है सेनेमेट पे, तो वो कार्बिडोपा लिविडोपा के नाम पे आ जाते हैं। तो यू शुड यूज दिस मेडिसन विद अ लॉन्ग कंटिन्यूसली विद सारी उम्र जो है आप कंटिन्यूस उसको रखेंगे। इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स अगर आप दे रहे हैं तो उसके साथ आप एट इमेटाडीन प्लस इमेटाडीन एंटीकोलिनर्जिक उसके साथ दें, कार्बिडोपा लिविडोपा आप साथ यूज कर रहे हैं और उसके साथ आप इमेटाडीन लिख देंगे और उसके साथ आप सेलिजिलिन या रासाजिलिन देंगे। सो दिस इज कंसिडर्ड आप ट्रिपल थेरापी यहाँ पे हो जाती है, जिस तरह एच पाइलोरी में हमारे पास ट्रिपल थेरेपी होती है, यहाँ पे भी एक एज 60 से कम होती है तो उस पेशेंट को आप ट्रिपल थेरेपी में जाएंगे। एक तो आपके साथ लेविडोपा कार्बिडोपा हो गई, क्योंकि लेविडोपा नॉर्मली ये डोपामिन होती है, तब ये आप ले लेते हैं तो ये बेसिकली स्टमक के कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं कि जो कि उसकी लाइसिस करता है, डोपामिन को अलग करता है और डोपामिन उसकी एंजाइम्स को
और एंजाइम की वजह से डोपामिन की बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो यह भी एक सेंट्रम है जिसको हम प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफ लेविडोपा देते हैं, और लेविडोपा इसकी वजह से जब ये बॉडी में चले जाते हैं वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम उसकी लेविडोपा की लाइसिस करते हैं, लेवा को अलग देता है कर देते हैं, डोपा को अलग करता है। तो उसकी वजह से हम कार्बिडोपा देते हैं ताकि उसकी लाइसिस को इनहिबिट करें। कार्बिडोपा बेसिकली वो एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं स्टमक में आपकी मुख्तलिफ डिफरेंट एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी लाइसिस को इनहिबिट करते हैं, उसकी लाइसिस को नहीं करते, वो डायरेक्टली वो एसलोपिडोपा फॉर्म में जाके आपकी ब्रेन में वो इंटरेक्ट हो जाते हैं और आपकी बॉडी में फंक्शन अदा करते हैं और इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। आप सेकेंडली आप इमेटिडीन या कोई ऐसे अदर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे जिस इज द सेकेंड थेरेपी ऑफ विद कार्बिडोपा लिविडोपा प्लस थर्ड नंबर आप सिलीजिलिन देंगे ताकि आपके साथ ट्रिपल थेरेपी कंपेयर हो जाते हैं। सिलीजिलिन बेसिकली MOI MAO इनहिबिटर्स होते हैं ताकि आपकी बॉडी में डोपामिन की लेवल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। तो और आपकी बॉडी में जब ज़्यादा लेवल आ जाती है तो उसकी डोपामिन की लेवल को ज़्यादा करता है कौन से सिलीजिलिन, क्योंकि वहाँ पे MOI इनहिबिटर्स होती है जो कि आपकी जो है वो डोपामिन को इनहिबिट करता है, डोपामिन की एक्शंस को इनहिबिट करता है, उसकी लाइसिस करता है, उसको डोपामिन को जो है वो उसकी कंसंट्रेशन को कम करते हैं। तो उसकी वजह से आप सिलीजिलिन या रासाजिलिन को आप देंगे। अच्छा, एक पेशेंट की 60 से अबव एज है तो आप उसके साथ क्या करेंगे, सस्टेन रिलीज कार्बिडोपा लिविडोपा अगर एडक्वेट रिस्पॉन्स विद द इमीजिएट रिलीज आप देखिए, एक सस्टेन रिलीज होता है जो कि टाइम ज़्यादा लेता है रिलीज में, एक इमीजिएट रिलीज ये कि आप प्रॉम्प्टली वो ड्रग्स देंगे जो प्रॉम्प्टली रिलीज हो जाता है कार्बिडोपा लिविडोपा। अगर उसके बाद एडाक्वेट रिस्पॉन्स तो आप उसके साथ एडाक्वेट ए डोपामिन एगोनिस्ट देंगे, एगोनिस्ट। अच्छा, डिसेबल साइड इफेक्ट्स उसकी आप साइड इफेक्ट्स ये चीज़ उस पर ज़रूर नोट करें। इफ यस साइड इफेक्ट्स आ रही है तो यू कैन कंसिडर सर्जरी, यू कैन गो टूवर्ड द सर्जरी, आप सर्जरी पे जाएंगे। अगर यहाँ पे 60 से वो कम है तो आपके साथ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो यू शुड अगेन टू गो टूवर्ड सर्जरी, तो यू सर्जरी पे जाएंगे। तो इस तरह आपके साथ अगर साइड इफेक्ट्स डिसेबल है हो रहे हैं तो डिक्रीज डोपामिन एगोनिस्ट डोज, तो प्रॉपरली आप डोज को मैनेज करें, स्विच डोपामिन एगोनिस्ट आप एगोनिस्ट को ख़त्म करें क्योंकि ये आपको उसकी नुकसान ज़्यादा आ रही है। तो आप एट क्लोजेपीन और आठ कभी कभार आपके साथ कोई ऐसे रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है तो आप एट शुड यू शुड गो टूवर्ड क्लोजेपीन। सो दिस ऑल अबाउट द गाइडलाइंस ऑफ पार्किंसन डिजीज। अच्छा, गो टू फार्माकोलॉजी फॉर इंटर पार्किंसन ड्रग्स फार्माकोलॉजी। अच्छा, हम वहाँ पे जाते हैं ताकि हम वो प्रॉपरली पढ़ लें कि पार्किंसन डिजीज ऑफ उसकी फार्माकोलॉजी क्या है, उसकी प्रॉपर यहाँ पे फार्माकोलॉजी रिलेटेड मटेरियल क्या है, उसकी इंडिकेशन तो मैंने ले लिखी प्रॉपरली, लेकिन इंडिकेशन सेम यही चीज़ है कि आप जो है नॉर्मली ये चीज़ें आप लिख लेंगे। अच्छा, फार्माकोलॉजी उस पे जाएंगे, दिस इज ये जी फार्माक्लिनिक बुक है जिसमें सारे डिटेल दिए गए हैं, आर्थराइटिस एलर्जिक राइनाइटिस। अच्छा, ये हमारे पास आ जाते हैं, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे। ये दिस इज द पार्किंसन डिसऑर्डर, उसके लिए पार्किंसन डिसऑर्डर के लिए हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, उसके ड्रग्स, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी इंडिकेशन हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो कि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी आपको कहा कि या आप इमेटिडीन देंगे या जो है वो
आइमेक्टिडीन के साथ कोई अदर एंटीकोलिन जिसको आप बेनस्ट्रोपिन कहते हैं, ट्राहिक्सपिरिडाल या प्रोसैक्लिडीन, बेसिकली ये ड्रग हम देंगे। इन ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ब्लॉकेट द कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन प्रोडक्शन प्रोड्यूसेस इफेक्ट सिमिलर टू द ऑगमेंटेशन ऑफ डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन अगेन बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ इम्बैलेंस ऑफ डोपामिन स्ट्राइकुलिन रेशियो। ये जब ये दोनों जो है इम्बेलेंसिंग आ गई है तो उसकी वजह से हम कोलिनर्जिक ये ट्रांसमिशन को ब्लॉक करते हैं, तो इसकी वजह से हम एंटी कोलिनर्जिक देंगे। यहाँ पे है कि लिविडोप प्लस कार्बिडोप जो कि सेनमेट के नाम पे आ जाते हैं, तो लिविडोप पार्किंसन दियर सफिशियंट डोपामिन इधर ब्रेन सफिशियंट ये जाते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से हम इमीडिएट ली कार्बिडोप इसकी वजह से देते हैं कि यहाँ पे वो मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करता है ऑफ द लिविडोपा। अच्छा इनडायरेक्ट एक्टिंग ये है डोपामिन की के सिलिजिलिन देते हैं। डोपामिन ये एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट जो कि इनहिबिट बाय एमओए एमएओ टाइप्स बी विद डोपामिन लो डोज मॉडरेट डोज दस डिक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म डोपामिन। आपकी मेटाबॉलिज्म हो कम हो जाती है डोपामिन की, तो जब मेटाबॉलिज्म डोपामिन की कम हो जाती है तो यहाँ पे डोपामिन की लेवल ज्यादा हो जाती है, तो डिक्रीज अपटेक ऑफ एमेटेडिन आग री अपटेक। तो जब एमेटेडिन आप देंगे तो ये डोपामिन की री अपटेक जो है उसको कम करता है, तो जब इसकी री अपटेक को कम करता है मतलब ये दोबारा वो पे नहीं छोड़ता, जब ये सीधा अपने न्यूरॉन्स पे चले जाते हैं तो एमेटेडिन इंक्रीज द रिलीज ऑफ डोपामिन ब्लॉकेट इन द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। इस तरह ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग ये भी है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी कोलिनर्जिक। यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्रोमिक्रिप्टिन पे दे सकते हैं, दिस इज ब्रोमिक्रिप्टिन इज एगोनिस्ट ऑफ डोपामिन है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो वहाँ पे ज्यादा हो जाती है डोपामिन की लेवल। So this is all about the pharmacology of Parkinson's disease. So okay.